तुम्हारी लाडली बहन मिलने आएगी। उसे भी तुम उतनी ही खूबसूरती से समझाना जैसे तुमने अदालत, पुलिस और डॉक्टरों को समझाया है। समझे क्या? मेरे दिमाग के छोटे कैरेक्टर का कहना है, वो बात तुम्हें तुम्हारी बहन बताएगी। हम जल्द मिलेंगे। हाँ, तुमने मेरा नाम पूछा ही नहीं, वो तुम्हें तुम्हारी बहन बताएगी। हम चलते हैं। अर्जुन, कबूतर फाख्तों के छोटे मोटे शिकार छोड़, मेरे दिमाग का एक छोटा कैरेक्टर तुझे बड़ा शिकार दे रहा है। सिर्फ एक निशाना और पूरे 10 लाख। उठा ले कैश और शिकार का फोटो। वर्ल्ड कप के मैच में आपका स्वागत है। अब मैच शुरू किया जाए। आउट है। तुम सब तो पहले से ही आउट हो। अबे जीते कोई भी, कब तो मुझे ही मिलना था। अबे चल बे, काम करने दे। अबे इसको पटकना है, इसको गिराना है, पटकना है ससुरे को। जल्दी से इसको गिराएंगे हम लोग। रामू भैया क्या कह रहे हैं? अरे तुम कितना काम करते हो। ये बात तो सही है, हमने आपके आराम का प्रोग्राम किया है। आपके लिए स्पेशल कुर्सी बनाई है। किधर है वो? रही देखिए ना, बैठ भी जाइए ना। बनाया है। अभी आता हूँ, करंट लगाता हूँ। चुछू डरा, तुम हंस रहे हो, तुमको करंट से डर नहीं लगता? मुझे करंट से डर नहीं लगता क्योंकि मैं खुद करंट हूँ। ले पकड़ मेरा हाथ। ये सब क्या है? हम सबको करंट लग रहा है। ये करंट की मशीन है, इसका स्विच नीचे करोगे तो बंद हो जाएगा। ऐसे देखा? माधवन के घात से पति को खोने के बाद बहन आई है अपने भाई को बचाने। एक बहन को जरूरत है अपने भाई की। आइए देखें क्या अर्जुन अपनी दुनिया में लौटेगा। भैया मैं कितनी बदनसीब हो गई कि मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकती। भैया जो होना था, जो हुआ वो शायद भगवान की मर्जी थी। भैया प्रेम का साथ मेरे साथ उतना ही लिखा था भैया। और वो मुझे छोड़कर चले गए भैया। मगर भैया मुझे अपने आशीर्वाद से दूर मत करो भैया, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरे पति का साया नसीब ने मुझसे छीन लिया भैया, छीन लिया। मगर भैया का प्यार तो मुझे मिल सकता है ना भैया? भैया का प्यार तो मुझे मिल सकता है ना? लौट आओ भैया, लौट आओ। भैया जिस बात के लिए आपको कानून ने माफ कर दिया, भगवान ने माफ कर दिया, उसी बात के लिए
आप अपने आप को इतना गुनहगार समझते हो भैया? एक भूल के लिए अपने आप को इतनी बड़ी सजा देना बहुत बड़ा अपराध है भैया। भैया लौट आओ, भैया लौट आओ। और सुनो भैया, मेरे घर पे कल मेरे घर पे माधवन आया था भैया, माधवन आया था भैया। फोटोकलाल जी कैसे हो? डॉक्टर जी मुझे भी सफेद कोट चाहिए, मैं डॉक्टर बनके डुलडुल को करंट लगाऊंगा, डुलडुल मुझे मारता है, देखो ना ये भी मुझे मारता है। डॉक्टर ये पोंगा मुझे पागल कहता है रे। डब्बू तुम पागल नहीं हो, पोंगा तुम भी पागल नहीं हो। मैं तो पागल नहीं हूँ। अगर जल्दी यहाँ से घर जाना है तो अपनी दवाई ले लो। तो क्या मैं पागल हूँ? शर्मा जी आप इन्हें इनकी दवाइयाँ दे दो। ठीक है, बाय 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 बाय। डॉक्टर अली साहब, मैं सुभाष भाई, ये दास चोपड़ा, इन्होंने कई हिट फिल्में दी है जैसे कि आपने देखी होंगी, माय नेम इज पठान, कुछ कुछ होता था और कभी भी गम कभी भी खुशी। भाई साहब मैंने आपकी फिल्म रामचरण और सौदाकर दोनों देखी हैं। खैर मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर अली साहब, मैं और दस साहब मिलकर हिंदुस्तान की सबसे रियल हिट फिल्म बनाने जा रहे हैं। उस फिल्म का नाम मालूम है क्या है? जाग उठा पागल। उस फिल्म में नकल कम और रियलिटी ज्यादा है। मैं कुछ समझा नहीं। हमारे फिल्म में शुरू से लास्ट तक हीरो पागल है। कुछ क्लियर नहीं हुआ। भाई साहब चाहते हैं कि फिल्म का हीरो रियल हो। मगर हमारे मरीजों में से आप चुनेंगे कैसे? डॉक्टर अली साहब, हम यहाँ पर एक ऑडिशन रखेंगे। उस ऑडिशन में कैमरे के सामने 1x1 रियल एक्ट, रियल शॉट, रियल फिल्म। वैसे एक बात बताता हूँ, दस साहब और मेरे बंगले के आगे फिल्म लाइन के नकली हीरो की लाइन लगी है, बट आई वॉन्ट रियल हीरो। ठीक है, कल आप शूटिंग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर अली ने ये पेपर भेजा है आपकी परमिशन के लिए। ठीक है। ये है रामू और श्यामू। शूटिंग का सुनकर इनके मन में लड्डू फूट आए। हम भी चखें शूटिंग के लड्डू, मीठे हैं या नमकीन? मुझे लगता है शूटिंग से कुछ फायदा होगा। मुझे नहीं, तुझे। हीरो तो तू बनेगा, मैं तेरा छाता पकड़ूंगा। क्या क्या पकड़ेगा? रोमू तो कितना अच्छा है। चल जल्दी से कागज और पेन लाकर मेरा फोटोग्राफ ले ले, फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। टाइम तो मेरे हीरो अभी भी तेरे पास कहाँ है। ये कॉफी पकड़ो, बड़े साहब को जाके दे दे। ला, मैं सब देख लूंगा। टाइम मिले तो फोटोग्राफ उल्टा करके रखना, उसमें से ऑटोग्राफ निकलेगा। सुनो सुनो, शांत हो जाओ सब लोग। हम यहाँ पर हमारे पिक्चर की शूटिंग करने आए हैं, उसका हम अभी ऑडिशन लेने वाले हैं। मैं बारी बारी एक एक को उठाऊंगा, हर एक ने अपनी अपनी एक्टिंग हमको करके दिखानी है। जो एक्टिंग अच्छी करके दिखाएगा उसको हम अपनी फिल्म में हीरो के रोल में लेंगे। शांत हो जाओ, शांत। आप खड़े हो जाओ भाई। मैं बोलता है, मामा भी बोलता है, क्या एक्टर है यार। हाँ आप खड़े हो जाओ। कट। हाँ भाई आप पीछे वाले, हाँ आप खड़े हो जाओ। मत बनाओ फिल्म, वरना मेरी तरह पागल खाने आ जाओगे। कैट कैट। हाँ भाई आप हो जाओ, भाई साहब खड़े आप। सज्जन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, फिर भी हमें पैदल जाना है। सचिन रे झूठ मत बोलो। हाँ, आप खड़े हो जाओ। ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है भाई। आप खड़े हो जाओ। हिट सुपर हिट हो गई, सुपर हिट, हिट सुपर हिट हो गई मेरी फिल्म, हिट सुपर हिट, हिट सुपर हिट हो गई मेरी फिल्म। ऑर्डर ऑर्डर, ये कट नहीं चलेगा, कोई सबूत पेश किया जाए। आप बताओ। फूल हूँ गुलाब का चमेली का मत समझना, आशिक हूँ आपका अपनी सहेली का मत समझना। आप खड़े हो जाओ। मेरी जाने मन, तेरा हुस्न बहुत लाजवाब है, मेरे साथ चलती है क्या? हाँ पीछे वाले वो खड़े हो जाओ। साहब, ये हुस्न का बाजार है, पैसा फेंको, जवानी हाथ आ जाएगी। और कौन कौन बाकी था? चलो आप खड़े हो जाओ। एक दो तीन। बढ़िया। क्या? तुम खड़े हो जाओ। अगर तुम डायरेक्टर हो तो मेरी पुकार सुन सकते हो। पूरे पागल खाने में बिखरे हुए हैं मेरे गीत। राबा कैट 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 कैट। तुम खड़े हो जाओ। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है, माँ कहती है सो जा बेटा सो जा, वरना छोटू दादा आ जाएगा। कैसे लगे हमारे कलाकार? बहुत अच्छे एक्टर है सर, बहुत। देर किस बात की, करो इन सबको साइन। बिल्कुल, साइनिंग ले लीजिए सर। ब्रीफकेस खोलूं? बैग खोलो। ओके सर। अपनी फिल्म बिल्कुल सुपर डुपर हिट है। हिट है, कुछ मत सोचिए। साइनिंग अमाउंट पटापट दे दीजिए। भाई साहब, सारा अमाउंट खत्म हो गया, कैश नहीं है। अरे दास जी, ऐसे कैसे चलेगा? इतना मेहनत करके, इतनी शूटिंग किया, इतना ऑडिशन लिया। एक काम करो ना, अंगूठी भेज दो, चैन बेच दो ना। नहीं सर, ये मेरी शादी की आखिरी निशानी है, ये चैन मैं नहीं बेचूंगा सर। दास जी, इतना मत सोचिए, दे दीजिए ना चैन। मैं तो बोलता हूँ बंगला बेच दो, गाड़ी बेच दो, दुकान बेच दो। अपनी फिल्म है ना, सुपर हिट है। अपन लोकेशन पे जाएंगे, शूटिंग करेंगे। साहब, शूटिंग में बहुत बढ़िया बढ़िया मजा आएगा। जी सर, मजा आएगा सर। जी सर, बढ़िया मजा आएगा। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। जी सर, बहुत बढ़िया। ये सब क्या है? ये सब, मैं सुलेमान हूँ, एक एक्टर हूँ। मुझे सब याद आ गया। जी नमस्ते। नमस्ते, मैं सोनू की माँ हूँ। अच्छा, अच्छा हुआ आप आई। मैं सोनू के बारे में कुछ और जानना चाहता था। क्या बताऊँ मैं सोनू के बारे में? क्या कभी सोनू के साथ कोई हादसा हुआ? क्या कभी उसकी किसी से लड़ाई हुई थी? सोनू कभी किसी से नहीं लड़ता था, वो तो बहुत हंसमुख था। आखिरी बार सोनू किससे मिला था? एक लड़की थी रागनी, पहले कहता था मैं शादी उसी से करूंगा, फिर न जाने क्या हुआ, पहले घर खाली किया, फिर ये सब कुछ। और उस दिन के बाद तो वो लड़की दिखाई ही नहीं दी। सोनू जल्दी ठीक होगा, आप फिक्र ना करें। पद्मा जी सर, इन्हें सोनू से मिलवा दो। जी, भगवान आपका भला करे, मैं मिल लेती हूँ। डॉक्टर आइए। मिस रागिनी, बैठिए बैठिए। थैंक यू। क-
क्या इत्तेफाक है, कल मैंने आपको टीवी पर देखा और आज आप मेरे सामने हैं। रागनी जी, मैं आपकी देशभक्ति और समाज सेवा दोनों का फैन हूँ। डॉक्टर अली, आप मुझे सिर्फ रागिनी ही कहें, क्योंकि मैं भी आपकी फैन हूँ। मैंने तो केवल कुछ ही समय दिया है और आपने तो अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के नाम की है जो जिंदगी का मकसद भूल गए हैं। आंखों में सपने तो है मगर सपनों की हकीकत भूल गए हैं। हाँ, सुबह जब हम यहाँ कदम रखते हैं तो अल्लाह से एक ही दुआ करते हैं कि हमारे इलाज से या किसी चमत्कार से कोई एक मरीज अपनी वापस जिंदगी में लौट सके, जहां उसके अपने चाहने वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अली, चाहने वाले आने के लिए समय का इंतजार नहीं करते, वो तो खुद ब खुद ढूंढते हुए चले आते हैं। जैसे आज मैं खुद यहाँ तक पहुँच गई। ढूंढते हुए? ये क्या कह रही हो रागनी? जी हाँ डॉक्टर, चार दीवारी में छुपके किया प्यार भी नहीं छुपता, जबकि मैंने तो सूर्य देवता की रोशनी के सामने प्यार किया। एक आम आदमी को मन मंदिर का देवता मान लिया, पर अचानक किसी की बुरी नजर लगी मेरे प्यार को, वो मुझसे रूठ गया, खो गया, और आज मुझे पता चला है कि वो कुछ साल से आपके इसी पागलखाने में ही है। क्या नाम है उसका? जी, उसका नाम है सोनू। क्या, सोनू? जी हाँ, सोनू। कॉलेज में सबका प्यारा, बातें बनाना खूब आता था उसे, हमेशा लड़के लड़कियों के बीच में घिरा रहता था, और उसकी जो बातें कभी खत्म नहीं होती थी। मैं हमेशा खामोश, शायद इसीलिए मुझे देखकर वो खामोश हो जाता था। कॉलेज में इतनी खूबसूरत लड़कियों के होने के बावजूद वो सिर्फ मुझे ही देखता था। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा था, मगर सोनू ने कभी अपनी जुबान से कुछ कहा ही नहीं। मैंने ही एक दिन हिम्मत करके सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया, तो सोनू ने मेरी बात को जोक कहकर टाल दिया। बाद में कुछ वो बदला बदला सा रहने लगा, पर हाँ, चुप चुप के वो मेरी मदद जरूर करता था। जब मैं जॉब के लिए परेशान थी तब उसी ने मुझे जॉब दिलवाई। मुझे बाद में पता चला कि अपनी खुद की जॉब छोड़कर वही जॉब मुझे उसने दिलवाई, वो भी अपने बॉस के हाथ पैर जोड़कर। और हाँ डॉक्टर, एक महीने पूरे घर रहकर उसने मेरे कॉलेज की फीस भर दी। जब मैंने उसे पूछा कि कहाँ थे इतने दिन, तो कहने लगा मैं बीमार था। इतना ही नहीं डॉक्टर, मेरी जान बचाने के लिए उसने अपने दोनों हाथ जला लिए। अब आप ही बताइए, ये प्यार नहीं तो और क्या है? रागनी, तुम आखिरी बार सोनू से कब मिली? मेरी शादी को लेकर मेरे घर में बहुत ही तनाव था, मुझ पर शादी के लिए दबाव डाला जा रहा था। तब मैं सोनू से बात करने उसके घर गई। सोनू कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, कन्विंस करने की, लेकिन वो मुझसे कट रहा था, जैसे वो मुझसे अलग होना चाहता था। मैं उसके सामने खूब रोई, गिड़गिड़ाई और हार कर अपने घर चली आई, यही सोचकर कि शायद कुछ दिनों बाद उसे मेरी बात समझ में आएगी। जब मैं वापस उसके घर गई, उसके घर ताला था। आस पड़ोस में पूछा तो पता चला सोनू तो कुछ दिनों पहले ही घर छोड़कर चला गया, किसी को कुछ बताया नहीं। एक महीने पहले पता चला कि किसी पागलखाने में है, फिर क्या, ढूंढते ढूंढते मैं यहां चली आई।
आज बहुत दिनों के बाद मेरे देवता के दर्शन होंगे। कैसा है मेरा सोनू? कहाँ है मेरे देवता? तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। सोनू, देखो तुमसे कोई मिलने आया है।